हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रवण राजपुरोहित। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक आपके साथ नया और कुछ यूनिक प्रोडक्ट के साथ आए, जो एप्पल का 3-in-1 चार्जर सपोर्ट है। जैसे कि आप एप्पल के जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जैसे कि एप्पल की वॉच हुई, या फिर एप्पल के एयरपोड, या फिर एप्पल का फ़ोन है, तीनों के लिए आपको चार्जर अलग अलग कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें 3-in-1 है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आपको C360 का मॉडल नंबर है। इसमें आपको जैसे कि आप फ़ोन है तो आपका फ़ोन लगा सकते हो, प्लस आपका एयरपोड है तो एयरपोड आप लगा सकते हो, या फिर आपके पास आपका वॉच है स्मार्ट एप्पल का तो वो भी इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। 3-in-1 प्रोडक्ट दिखा हुआ, इसमें आपको जो चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ वो इधर आप देख सकते हैं कि 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। इसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर एप्पल का रहेगा, तो आपके पास आप एप्पल का लगा सकते हो, नहीं तो अदर ब्रांड का कोई भी लगा सकते हो। नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फ़ोन का जो कितने भी क्वालकॉम का इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है। एम्पियर में आपको 5 एम्पियर का जो डायरेक्ट दिया हुआ इनपुट है ना, 5 एम्पियर का दिया हुआ है 5 वोल्टेज के साथ में। इसमें आपको मैक्सिमम 3 वॉट का चार्जर के साथ सपोर्ट दिया हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करके इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। मेन्यू बुक्स है, इसमें पूरे गाइड का WC का 360 का जो पूरा का पूरा डिटेल में इसमें आपको बताया गया है। बॉक्स है ये, इसमें आपको सी टाइप का आपको एडेप्टर मिल जाता है सी, और बाकी का गाइड की बात करें तो और इसमें आपको दिया हुआ है। ये आपको इधर आपको स्टेपल का लोगो दिया हुआ है, एडेप्टर है, इधर भी आपको स्टेपल का लोगो देखने को मिल जाता है जैसे देख सकते हो। और ये 20 वॉट का जो है फास्ट चार्जर दिया हुआ है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर है। ये 18 वॉट का फास्ट चार्जर इसमें आपको डायरेक्टली कनेक्ट करने का, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, जैसे कि किधर आप टेबल स्टैंड पे वगैरह रख सकते हो, किधर भी आप है ना ईजीली नॉर्मली आप स्टैंड पे ऐसा रख सके और आप फ़ोन को वगैरह आराम से आप कर सकते हो कनेक्ट। लुक भी बाकी देख सकते हो डिज़ाइन वाइज कितना अच्छा है। एप्पल का लोगो जो आप देख रहे थे, एप्पल का जो सेम लोगो दिया हुआ है, इधर आपको एप्पल का वॉच के लिए दिया हुआ है, ये अपने को एयरपोर्ट के लिए दिया हुआ है, इधर आपको एप्पल है, इधर स्टेपल का लोगो भी दिया हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको कनेक्ट करते हैं और क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे इसको डिटेल में तो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। चलिए इसमें आपको सबसे प्लस पॉइंट है वो आपको बता सकता हूँ कि इसमें एप्पल के जो भी नया प्रोडक्ट है वही सपोर्ट है, जैसे कि पुराने 11 वगैरह रहेंगे तो इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि नया सीरीज रहेगा 12 है, 13 है, 13 प्रो है, 13 प्रो मैक्स है, 12 प्रो है, जितनी भी नया सीरीज है जिसमें वायरलेस चार्जर सपोर्ट है वही सपोर्ट करेंगे, बाकी अदर ब्रांड इसमें नहीं करने वाले। तो जो भाई ले रहे हो वो पहले आप वीडियो को देख सकते हो। इसको नॉर्मली चार्जर कनेक्ट इधर से होता है, ये लगा दे चार्जर कनेक्टर, ये हो गया एक्टिवेट। अगर आपको देखना है एक्टिवेट किधर हो रहा था, इधर आपको लाइट्स दी हुई है वो आपको इधर डायरेक्टली शो हो जाएगा। जैसे कि आपके फ़ोन मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देख सकते हो ये मेरे पास 12 प्रो मैक्स है, अगर वो भी रहेगा तो भी आप 12 प्रो मैक्स भी डायरेक्ट लगा सकते हो। ये मेरे पास है 12, आप 12 को भी अगर कनेक्ट करना है तो भी आप वो कर सकते हो, डायरेक्ट 12 को भी कनेक्ट है। मैं आपको एक डेमो की तरफ से बताता हूँ, बाकी पूरा कैसे यूज होता है, क्या चार्जिंग होता है वो आराम से बताता हूँ आपको। ये 11 प्रो है, ये भी हो रहा है, एक आपको 11 के साथ में मैं बता देता हूँ। ये 11 है, ये भी देखते हैं, ये 11 नहीं पकड़ रहा है, मैं आपको पहले बोला था क्योंकि जो सीरीज है ये चार्जिंग हो रहा है, ये देख सकते हो आप इधर चार्जिंग हो रहा है,
लेकिन इसको ग्रिप नहीं है क्योंकि इसको वो मैग्नेट नहीं दिया हुआ। ये देख लो, ये सीधा नीचे आ रहा है। वही अगर मैं इधर आपको, ये इसका स्टैंड दिया हुआ है, इसमें आप घर में इजीली नॉर्मली 3-in-1 करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे करने का मैं आपको पूरा का पूरा ये वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास एप्पल का वॉच है, इसको मेरे को चार्जर करने का है, तो मेरे को 3 चार्जर लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला मेरे को एप्पल वॉच के लिए, सेकेंडरी आपको मेरा ये एयरपोड है, इसको चार्जर करने के लिए अलग से एयरपोड को लगाना पड़ेगा। बाद में मेरा फ़ोन से, तो फ़ोन के लिए, वॉच के लिए, तीनों के लिए अलग 3 चार्जर लगने पड़ेंगे। वही मेरे को एक काम में हो जाता है। कैसे होते, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं, ये हो गया स्टार्ट, एक हो गया। इसको ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे ग्रिप मिले, क्योंकि इसका वेट और ना बढ़ जाता है तो आपका फ़ोन का वेट बढ़ जाता है। ये हो गया एयरपोड्स। छोटू रुक जाए, ये वॉच की बात करो तो ये देख लो, वॉच लगा दिया इधर। ये 3-in-1 प्रोडक्ट आता है, आपको तीनों प्रोडक्ट एक ही में मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हो, मेरा वॉच भी इसमें कनेक्ट हो गया, मोबाइल भी इसमें कनेक्ट हो गया, और एयरपोड भी। मेरा 3-in-1 प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। कोई भी मोबाइल हो एप्पल के, कोई भी, और एयरपोड इसमें आपको वायरलेस जो चार्जर सपोर्ट है वही सपोर्ट करेगा। नॉर्मली आप एयरपोड 1 लगाएंगे तो इसमें नहीं लगेगा। एयरपोड 2 वायरलेस चार्जर या फिर एयरपोड 2 प्रो आता है वो इसमें आपको, या फिर 3 एयरपोड वही सपोर्ट करेगा। और वॉच सीरीज आप कोई भी वॉच रहेगा, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते, तो उसमें आपको ये देख सकते हो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। और इधर आपको गिरने का भी टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि ये मैग्नेट है पूरा। ये देख लो, पूरा का पूरा मैग्नेट है कि कितना भी आपका फ़ोन, कोई भी 12 सीरीज का के ऊपर वाले कोई भी फ़ोन देखते हो ना, सब में मैग्नेट सिस्टम दिया हुआ है। ये देख सकते हो मैग्नेट सिस्टम दिया हुआ है, डायरेक्टली इजीली कनेक्ट होएगा। ये आपके ऑफिस में, घर में, किधर भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो।